और स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो गई स्टार्ट। यस सर हो गई। यस सर। नाउ फर्स्टली बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले। बीसीडी बच्चे, बीसीडी जो कोड होता है बाइनरी कोड डेसिमल, इट शुड बी चूजिंग योर 4 बिट कोड। ऑलरेडी हमने बीसीडी कोड पढ़े हुए हैं सबके, क्लियर। तो उसमें हमारे बीसीडी के पास इनपुट कितनी होती है, 4 इनपुट, 4 बिट बीसीडी कोड। आई हैव टू राइट द 4 बिट, दैट इज द B0 B1 B2 एंड B3। So we should have to write for the decimal purpose. If I am right, decimal here, board is visible to all of you? Now, this is the right from the up to decimal line. If I am write the BCD code here, one here. Now listen, bachche. If you are all seeing the scientific calculator or in the case of your LED display, it should be display like in this way. See, my board is visible to all of you. Yes, sir. बच्चे board sir. visible है सबको के नहीं? Yes, sir. Hello. Yes, Hello, sir. everyone. Visible yes, है. Yeah. Yes, sir. ठीक है. बच्चे ये देखो. This is your. I have to draw some diagram for the 7 segment display. 7 segment display, I have to write each and every coding for that display, A, B, C, D, E, F, G. Okay. So I have to want to decoder BCD to 7 decimal, 7 segment display or decoder. So now, if I am right, if you, I am display 0 at this level. अगर मैं यहाँ पे अपने calculator पे, जैसे ये मेरा scientific calculator में LED पे display होता है 7 segment. If I am display 0 at A, hello students, if I am display 0 on this screen, so in that case which alphabet is missing now, tell. G. If I am display decimal 0, then in that diagram we have to missing G. Means A is 1, B is 1, C 1, D, E, F, G is now 0. Yes, sir. Okay. If I am display 1 here, then what happened? 1 is now in this way means B and C is now 1. All other are 0. Right. I am writing the truth table to making the truth table of the BCD to 7 segment display. All of you understand this? If I am display 2. Then L 1101 001. Now see this one, all of having the clear, but I am right 1 and 0 in that case. Yes, sir. Means जो से आपके इस अल्फाबेट में डिजिट आएंगे वो वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी वाला अल्फाबेटिकल वो आपका 0 हो जाएगा. Similarly, if you are displaying 8 in that, अगर आप यहाँ पर 8 को display करना चाहोगे, तो 8 पे value क्या आएगी? All alphabet should be now 1. ऐसा ही होगा बच्चे? Tell yes or no.
this two table is clear to all of you with I am the LED display like 7-segment display. Correct, excuse me. So as per according, you have to put up the value of 3 here. Three की value क्या आएगी? सर एक बार दोबारा समझा दो, कुछ समझ नहीं आ रहा। दोबारा बच्चे मैं दिखा दूँ। I have to. Sir, excuse me. Yeah, tell. Sir, एक one नहीं आएगा two के केस में। किस पे? Sir, two के केस में e one नहीं आएगा। Wait. या बताओ बच्चे क्या कह रहे हो सर टू के केस में ई वन नहीं आएगा सर टू के केस में ई वन नहीं आएगा इसमें टू के केस में एक बार दोबारा समझ लो बच्चे आई हैव टू गो थ्रू वंस अगेन आई हैव टू डिस्क्राइब द टॉपिक दैट इज रिलेटेड विद द डिकोडर इन विच वी हैव टू डू द डिकोडर बीसीडी टू 7-segment डिस्प्ले डिकोडर ओके मींस यहां पे आपने 7-segment को डिस्प्ले करवाना है अकॉर्डिंग टू द डिकोडर पर्पस 7-segment मैंने यहाँ पे बना दिया है विद द हेल्प ऑफ द 7 alphabet ए बी सी डी ई एफ जी ओके सो अकॉर्डिंग टू दिस वन दिस इज अ डेसिमल नंबर आई हैव द राइट दिस इज अ डेसिमल डेसिमल 0 से लेकर 9 तक मैंने डिस्प्ले करवा दिया है बीसीडी कोड 9 तक मैंने 4 बिट का बीसीडी कोड राइट अप कर दिया है देन आई हैव टू राइट द डिस्प्ले ऑफ द 0-1 से लेकर 0 से लेकर 9 को हमने डिस्प्ले करवाना है उसके अकॉर्डिंग जो मेरी आउटपुट है दैट शुड बी इन टर्म ऑफ दिस वे ए बी सी डी ई एफ जी ओके इफ आई एम डिस्प्ले 0 इन द केस ऑफ दिस एलसीडी तब 0 के केस में मेरा जी डिस्प्ले नहीं होगा जी की वैल्यू नहीं होगी ना 0 डिस्प्ले करने के लिए तो इन केस दैट केस 0 इज नाउ जी बाकी सभी ए बी सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ओके इफ आई एम डिस्प्ले 1 अगर मैं 1 को डिस्प्ले कर रहा हूं तो 1 के केस में मेरा बी और सी एक्टिव रहेगा means B और C एक्टिव रहेगा बाकी सभी क्या हो जाएंगे 0 इन केस ऑफ 2 2 के केस में मेरा क्या होगा F और C वो एक्टिव रहेगा इन इनएक्टिव रहेगा 2 के केस में F और C E की वैल्यू भी 1 आएगी यहां पे क्लियर यही वाली प्रॉब्लम कह रहे थे बच्चे यस सर ओके नाउ 3 को डिस्प्ले करने के लिए क्या होगा F और E is now visible. F और E मेरा inactive हो जाएगा, बाकी value 1 हो जाएगी. Similarly, when I display 8, 8 display होगा, तो ये सारे alphabet पे value मेरी 1 आ जाएगी. Yes sir. Okay. If I am display 9 here, then what happen? Then is E is now not visible. E की value नहीं आएगी. Yes sir. E की value 0 हो जाएगी, बाकी सब 1 आ जाएगा. देखो ये truth table सबको समझ लग गया, ये सब बना लोगे truth table. Yes sir. Okay. So, इसके अलावा अब इसको मैंने अब लॉजिक डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है चेक आउट दिस वन ये टू टेबल सबको बनाना आ गया बिकॉज आप सबने ये सारा टू टेबल बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू 4, 5, 6, 7 सबकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी यहाँ पे सो दैट इज अ फाइनलाइज्ड ट्रुथ टेबल फॉर द बीसीडी टू 7-segment डिस्प्ले नाउ आई हैव टू गो विद योर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द आउटपुट ये जो हमारी थी बेसिकली दिस इज द बेसिकली इनपुट मेरी 4 वैल्यू है विद द हेल्प ऑफ योर आउटपुट उसके अकॉर्डिंग हम ए से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बी से करेंगे सी की ये सबकी वैल्यू हमें बाय यूजिंग के मैप फाइंड आउट करनी पड़ेगी अब देखो वो कैसे करेंगे मैं ये वाला पार्ट नहीं मिस रब करता हूं If I display A, so we have to make A. A को जब अगर मैं display करना चाहूँगा, मेरे पास कितनी value थी? 0 से लेके 9 तक value आ रही थी decimal की. So means we have to required 16 variable K, 16 boxes K map for that.
एंड आउटपुट कौन कौन सी है आपकी, दैट इज बी जीरो बी वन एंड दैट इज नाउ बी टू एंड बी थ्री, ये मेरी इनपुट थी बेसिकली। यस सर। बोर्ड विजिबल है बच्चे सबको? यस सर। क्लियर है बच्चे? नाउ इसके अकॉर्डिंग आई हैव टू पुट अप द वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1 sorry 1 1 1 0, सिमिलरली दिस इज द वैल्यू इज नाउ 0 0 0 1 1 1 and 1 0। ओके सो नाउ पुट अप द वैल्यू ऑफ ए हियर। ए की वैल्यू आपके पास क्या आनी है यहां पे मैं बताता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैल्यू आपके पास आनी है सभी 1 आएंगे 1 0 1 0 विद ऑल आर 1। यहां तक पता लग रहा है बच्चे? एनीवन हैविंग अ डाउट अप टू दिस एंड? मैंने क्या किया यहां तक अभी? एनीवन हैविंग द डाउट अप टू दिस एंड? हेलो क्लास, हाउ आई डू ड्रॉ द के मैप फॉर द पर्टिकुलर ए? ये मैंने ए का के मैप बनाया है ए की आउटपुट देख के। ए की आउटपुट पे मेरा वन कहां कहां पे आ रहा है? दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 14। ओके आई हैव द पुट अप द वैल्यू ऑफ ए। 0 के वैल्यू 1 है, फिर रह गई 2 पे वैल्यू 1 आ गई, 3 पे वैल्यू 1 आ गई, 5 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिस इज अ डेसिमल वैल्यू 5 से लेकर 9 तक 1 1 5 6 7 8 9 दिस इज अ वैल्यू पुट अप। आई एम पुट अप द वैल्यू ऑफ 9 अप टू दिस वन। अब 9 के बाद मेरी टर्म ही नहीं है, 9 के बाद टर्म नहीं है मींस वी हैव टू मेक डोंट केयर दैट टर्म्स, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सो आई हैव द मेक डोंट केयर लाइक क्रॉस, सो दैट इज आई हैव ड्रा द आउटपुट ऑफ द ए इन द टर्म्स ऑफ द 416 बॉक्सेस के मैप। जहां पे मेरे डेसिमल की वैल्यू 1 आ रही है वहां पे मैंने मिन टर्म्स की वैल्यू 1 कर दी है, और 9 के बाद मेरी कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं थी उसको मैंने डोंट केयर टर्म कर दी है। नाउ चेक आउट दिस वन बच्चे, यहां तक किसी को डाउट बताओ? नो सर। आर यू ओके अप टू दिस पॉइंट? यस सर। हेलो। यस सर। हेलो स्टूडेंट्स, क्लियर टू एवरीवन अप टू दिस पॉइंट? Yes sir, yes sir, yes sir. Yes sir. Hello. Yes sir. Yes sir, clear. बच्चे आवाज आ रही है? Yes sir. Yes sir. Yes sir, clear है. Clear है? Yes sir. तो यहाँ से अब हम value find out कर रहे हैं A की। अब A में अब आप यहाँ पे pair बना लो। Pair कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पे अब एक ये बन जाएगा octet आपका। देखो don't care के साथ। ठीक है, एक ऑक्टेट अपने वन कवर हो गए, और क्या बनेगा बताओ इसमें? और ऑक्टेट एक ये बन जाएगा। यस सर। ये ऑक्टेट है दूसरा। ठीक है, फिर वन बच गए, ये वाले ये वन बच गए आपका, फोर बन जाएगा, फोर की ये बन जाएगा क्वाड यहाँ पे। यस सर। मगर दो ऑक्टेट बन गए, एक क्वाड बन गया। ठीक है, और एक आपका क्वाड और बन जाएगा बिकॉज चारों कॉर्नर पे वन है आपका। यस सर। ठीक है, मींस दो ऑक्टेट और दो क्वाड बन गए, उसके कोरस्पोंडिंग आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज द बी थ्री प्लस बी वन, दिस इज द वैल्यू फॉर द क्वाड। यहाँ पे जो ऑक्टेट बना था उसकी वैल्यू कॉमन क्या था? बी वन। तो ये बी वन इस क्वाड के लिए आ गया, यहाँ पे जो क्वाड वैल्यू था वो बी टू था, बी थ्री सॉरी। B3, so ये क्वाड की वैल्यू मेरी B3 आ गई, ये वाली, ये ऑक्टेट की। अब ये क्वाड है, इसके वैल्यू कॉमन आनी थी B0 एंड B2, B0 एंड B2 प्लस B0 एंड B2 प्लस दूसरे क्वाड की, ये चारों कॉर्नर वाला क्वाड जो बना है उसकी वैल्यू आएगी आपकी, इस दोनों पे कॉमन क्या है आपका? B0 बार।
और वर्टिकल पे क्या कॉमन है, दैट इज अ जीरो, दैट इज अ बी टू बार. सो दैट इज अ फाइनलाइज वैल्यू ऑफ योर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ए, इट शुड बी इक्वल टू बी थ्री प्लस बी वन प्लस बी जीरो बी टू प्लस बी जीरो बार एंड बी टू बार. देखो यहां तक बच्चे ए की वैल्यू फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम? नो सर. मीन्स जैसे आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट की है बाय यूजिंग वन के मैप, वैसे बी की वैल्यू निकालोगे सी की डी की ई एफ और जी. दिस इज अ वेरी लेंथी टॉपिक फॉर द कंपैरिजन विद द अदर वंस. मींस यहां से आप ए की वैल्यू, मैंने एक सिंगल वैल्यू निकाल दी है बाय यूजिंग योर के मैप. सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी सी डी ई एफ और जी. उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सात इक्वेशन आ जाएंगी ए बी सी डी ई एफ जी की वैल्यू. यस सर. बाय यूजिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ के मैप. यस सर. तो उन सातों को उसके बाद आपने एक लॉजिक डायग्राम से ड्रा करना. दैट इज योर फाइनलाइज्ड एलसीडी टू बीसीडी टू सेवन सेगमेंट डिस्प्ले. क्लियर? तो मींस इस केस में क्या होगा, आपके पास चार इनपुट बनेंगी. वो मैं डायग्राम आपको थोड़ी सी रफली बना के बता देता हूँ. पहले देखो यहां तक पता लग गया, जैसे मैंने ए की वैल्यू निकाली है सिमिलरली वी हैव टू ड्रॉ द वैल्यू ऑफ बी सी डी ई एफ जी. यहां तक कर लोगे? एनीवन हैविंग द डाउट अप टू दिस टॉपिक बीसीडी टू सेवन? टेबल खुद बनाना होगा, गिवन होगा सर? टेबल गिवन होगा सर कि खुद बनाना होगा? चले आगे. एक्सक्यूज मी सर. सो नाउ आई हैव टू रेज दिस वन. जैसे मेरी ए की वैल्यू निकली है वैसे ही मेरी जी तक सारी सारी वैल्यू निकल जाएंगी. ओके, सो देन लास्ट में मेरी ए बी सी डी की वैल्यू निकल आई, बी सी डी ई एफ और जी की कोई भी वैल्यू निकल आई आपकी यहाँ पे. ठीक है, के मैप से अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे कोई वैल्यू निकल आएगी, तब लास्ट में आप अपना लॉजिक डायग्राम बनाओ. दैट इज जैसे बी जीरो हुआ, बी जीरो इन्वर्ट हुआ, दैट इज अ बी जीरो बार. सिमिलरली बी वन, बी वन के साथ नॉट गेट लगाया तो ये बी वन बार बन गया. सिमिलरली बी टू विद नॉट गेट, दिस इज योर B2, this is a B3, ये वैल्यू मेरी B3 बार निकल आई. ठीक है, अब मान लो A को मैंने ड्रॉ करना है, A को ड्रॉ करूंगा तो मैं अब कॉरस्पॉन्डिंग वो वाली इनपुट लेता रहूंगा साथ में कि B3 से ज्वाइन कर लिया, B1 से ज्वाइन कर लिया, वो आगे मैं एंड और नॉट गेट बनाता रहूंगा जैसे हमने प्रीवियसली किसी भी के मैप से लॉजिक एक्सप्रेशन को लॉजिक गेट में कन्वर्ट करवाया. अब बच्चे बताओ लास्ट में आप इन सब की के मैप निकाल के आपको लॉजिक डायग्राम बनानी पड़ेगी. दैट इज अ सम लॉन्ग क्वेश्चन टाइप दिस वन, बट ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें इसका लॉजिक जरूर पता होना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू डिकोडर विच बी यूज एज द बीसीडी टू सेवन सेगमेंट डिस्प्ले. टेल एनीवन हैविंग द डाउट अप टू दिस कि क्या प्रोसेस है. अब ये पूरा मेथड यहाँ पे सॉल्व करना बच्चे काफी मुश्किल है. इट इज अ वेरी टाइम टेकर. एक के मैप तो सॉल्व आपने जैसे कर दिया है, सिमिलरली छह के छह अदर के मैप भी वैसे ही सॉल्व करोगे. वो फाइनल रिजल्ट के अकॉर्डिंग जैसे हमने प्रीवियसली लॉजिक डायग्राम हम बनाते थे मल्टीप्लेक्सर में, डी मल्टीप्लेक्सर में, फुल एडर हाफ एडर में, कॉम्बिनेशन में बनाई थी, वैसे ही ये डायग्राम बनाएंगे. नाउ क्लियर अप टू दिस पॉइंट? टेल एनीवन हैविंग द डाउट अप टू दिस एंड टेल. बताओ बच्चे. क्लियर है बच्चे सबको? आपको तो सुननी है. बच्चे आवाज आ रही है सबको? हेलो सर. हाँ जी, हाँ जी, बताओ बच्चे. हाँ सर, तो हाँ आ रही है सर, बट हम हेलो कबीर सर बीच में बच्चे बोल रहे हैं उनकी आवाज सर आपको नहीं आ रही है. हेलो मे बी हेलो मैसेज करते हैं यहाँ से. आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर. बीर? Yes, sir. सर चैट बॉक्स देख लो. Yes, sir. हेलो, आवाज नहीं आ रही बच्चे? सर आ रही है. आ रही है, आ रही है. हेलो एवरीवन. यस सर. यस सर. हमें आ रही है बट आपको नहीं आ रही. कभी आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? सर चैट बॉक्स चेक कर लो. सर चैट बॉक्स देख लो.
हेलो अब आ रही आवाज बच्चे यस सर पता लग गया किसी को डाउट है यहां तक रिगार्डिंग बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर सर हमारी आवाज नहीं जा रही है आपको अब आ रही है बच्चे मेरे को आपकी आवाज आ रही है मेरे को बताओ यहां से किसी को डाउट कुछ प्रॉब्लम होगी यहां से मेरे से पूछ लो बच्चे दोबारा कैसे इसको सॉल्व करना है लॉजिक समय लग गया कि हमने दैट इज आई हैव टू एक्सप्लेन द लॉजिक एट टू दिस एंड बाकी कंक्लूजन सॉल्यूशन आपके एंड पे है मैंने लॉजिक बता दिया इसका कि इससे फुल क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है सॉल्यूशन कैसे करेंगे यस सर ठीक है सर हां जी बताओ बच्चे सर एक बार शॉर्टली रिपीट कर दियो सर सब तो बोलो की करना होता है बच्चे सबसे पहले जैसे मैं वर्बली आपको यहीं से बता रहा हूं आई हैव टू इन दिस क्वेश्चन बेसिकली आई हैव टू ड्रॉ द BCD to 7 segment display, okay? 7 segment display में मैंने एक आपको LED वाला display बना के दिखा दिया, जहाँ पे A, B, C, D, E, F, G करके हर बार पे ऊपर mention कर दिया था। अब मैंने एक decimal number को BCD में BCD code की तरह, उसको एक decoder की तरह काम करवाना 7 segment को। उसके लिए सबसे मैंने two table बनाया, जिसमें मैंने decimal number लिखे 0 से लेके 9 तक, उसका BCD code कर दिया, 0 से लेके 9 तक, 4 bit का BCD code कर दिया, okay? उसके बाद मैंने ए बी सी डी ई एफ जी तक 7 आउटपुट ली और उस आउटपुट के अकॉर्डिंग जो सी मेरी एलईडी पे जो बार हाईलाइट होगी उस वेरिएबल डेसिमल के लिए वो वैल्यू 1 हो जाएगी बाकी वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज जैसे मान लो मैंने 8 को अपने कैलकुलेटर पे राइट अप किया है उस केस में मेरे ए बी सी डी ई एफ जी सभी की वैल्यू 1 हो जाती है ओके अगर मैं 0 डिस्प्ले कराता हूं तो उस केस में भी मेरी 0 की वैल्यू नहीं आती ठीक है ना जी की वैल्यू नहीं आती उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रुथ टेबल बना दिया ट्रुथ टेबल बना दिया ट्रुथ टेबल के बाद हमने उसका एक लॉजिक डायग्राम बना दिया कि उसको लॉजिक डायग्राम बना कैसे हुआ उसके अकॉर्डिंग मैंने ए की आउटपुट सबसे पहले ली उसमें से क्योंकि 4 बिट की इनपुट है तो मैंने बीसीडी कोड केवल 9 तक ही लिखा हुआ है तो मैंने 16 बॉक्सेस का के मैप बनाया के मैप जो मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है वहां से आपके डेसिमल की 0 से लेकर 9 तक वैल्यू ए की आउटपुट लिखी हुई है बट 9 के बाद से लेके 15 तक जो भी वर्ड है वो हमारे पास आउटपुट नहीं है तो वो मैंने डॉट केयर कर दी क्रॉस उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वाड बनाए पेयर बनाए ए की आउटपुट के अकॉर्डिंग मेरी ए की आउटपुट निकली B3 प्लस B1 B0 B2 प्लस B0 एंड B2 बार ओके सिमिलरली आप सभी की ये आउटपुट निकालोगे इन टर्म ऑफ बी की सी की डी की यही के मैं बना के ऐसे ओके तो उसके बाद मैंने एक लॉजिक डायग्राम आपको बोर्ड पे बना के दिखा दिया कि ऐसे 4 मेरी इनपुट आएंगी उन चारों इनपुट के आगे नॉट गेट लगा के उसका बार में कन्वर्ट हो गया उसके बाद आप एक ही आउटपुट बनाओ जैसे हम पीछे लॉजिक गेट डिजाइन करते थे यूजिंग योर सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन तो वे एक बड़ी सी डायग्राम आपकी डिजाइन हो जाएगी मीन्स जहां पे मेरे को ये बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर होगा वहां पे लास्ट में ऐसी लॉजिक डायग्राम इनबिल्ट बोर्ड पे बनी होगी जो हम ग्रीन वाले एमसीबी बोर्ड देखते हैं ना सीसीबी बोर्ड उसमें ऐसे ही डायग्राम एलईडी के अकॉर्डिंग लगी होगी तो वो बीसीडी 7 सेगमेंट की तरह चलेगा अब बताओ एनीवन हैविंग द डाउट अप टू दिस एंड क्लियर इंद्रजीत यस सर हेलो यस सर क्लियर बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को क्लियर है सर यस सर क्लियर आई एम ऑडिबल टू यू Sir, yes, sir. Yes, sir. Hello. Hello, hello. Hello, yes, class. Sir. Yes, sir. आ रही है बच्चे अब आ रही है आवाज. Yes, sir. सर आपको नहीं मारी आती कभी-कभी. Hello. इंद्रजीत. Yes, sir. Yes, sir. आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो सर ने आवाज नहीं जा रही था डी हड्डी. हेलो क्लियर है यहां तक चले आगे सर वी कैन हियर यू बट यू कैन नॉट हियर अस सर हेलो थोड़ी और जोर दी बोल यार यस सर हेलो एवरीवन आई मुझे लगा अगर जोर से चिल्लाएंगे तो सर को ठीक है बच्चे आई देगी यस सर चले आगे लेट्स स्टूडेंट्स यस सर हेलो 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 सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर हमारी बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को सर आ रही अब बोलो जरा कोई सर आपके हेडफोन में शायद प्रॉब्लम आ रही है अब आ रही है यस सर
सर स्पीकर तो ऑन कर लो, सिर्फ माइक ही ऑन है। तो आपकी आवाज आ रही है, आपको हमारी नहीं आ रही। जी मेरी तरफ से सब ऑन ही है। अब आ रही है आवाज? यस सर, आवाज तो आ रही है। हमें तो सर आ रही है, आपको नहीं हमारी आ रही। चलो ठीक है ठीक है। नाउ पहले बताओ, अब यहाँ तक ये क्वेश्चन ड्राइव कर लोगे अपने आप, सारा गेट बना लोगे? यस सर, इजी। क्वेश्चन इज वेरी लेंथी नाउ, दैट इज इन द अकर इन द केस ऑफ योर सब्जेक्टिव टाइप, नॉट इन द टर्म ऑफ योर ऑब्जेक्टिव। ओके यस सर। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ तक हमने डिकोडर पढ़े, अभी डिकोडर दैट इज द टाइप ऑफ द डिकोडर। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एनकोडर पार्ट। मेरी हमारी आवाज ठीक है? हेलो सर, आ रही है आवाज? चलो ठीक है। नाउ स्टार्ट विद द एनकोडर। एनकोडर सिमिलरली, ऐसे पीपीटी में भी मैंने वो डिस्प्ले किया हुआ है एनकोडर, दैट इज अ बेसिकली रिवर्स ऑफ द डिकोडर। ओके एनकोडर में क्या है बेसिकली, encoder is a combinational circuit which is designed to perform the inverse operation of the decoder. Okay, decoder, an encoder has n number of input lines and m number of output line. Means this is a encoder part. Encoder, it should have the n number of lines and m number of output lines. Okay, so now block diagram of the encoder. The encoder accept an n input digital word and converting into m bit digital words. Means यहाँ पे 2 raised to power n वाला phenomenon नहीं है यहाँ पे आपके पास। यहाँ पे encoder में क्या है, n inputs होगी, उसके ऊपर वो कन्वर्जन के बाद n raised to mm आउटपुट लाइंस हो सकती है इसकी एनकोडर की। ओके अब एनकोडर के पास ना हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। टाइप कौन सी है? फर्स्ट वन एनकोडर इज नाउ प्रायोरिटी एनकोडर। मैं टाइप्स यहां पे लिख देता हूं, उसमें से कुछ टाइप हम डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज द एनकोडर? फर्स्ट एनकोडर इज नाउ priority encoder. Second one is now decimal to BCD encoder. Third one is now octal to binary. Okay. Fourth one is now hexadecimal to binary. Okay class, so these four types of binary encoders, so I have to discuss with all of you one by one. Isme se koi bhi hum reference ke liye ek do encoder discuss kar lete hain. I am audible to all of you? Bache awaaz aa rahi hai na? Yes sir. Yes sir. Hello. Yes sir, awaaz aa rahi hai. Yes sir, aa rahi hai. Yes sir, awaaz aa rahi hai. सबसे पहले हम यहाँ पे अब एनकोडर डिस्कस करेंगे। एनकोडर दैट इज प्रायोरिटी एनकोडर। ओके प्रायोरिटी एनकोडर डिस्कस करेंगे। Is visible to all of you? Yes. Hello, sir. Everyone. Yes, sir. Three, two, one.
is now Y1 and Y0. I am audible to all of you students. आवाज आ रही है बच्चे? Yes sir. Yes sir. Hello. आ रही है बच्चे आवाज अब? Yes sir. सर आप बताओ सर आपको आ रही है? सर ये बच्चे अब हेलो 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 सर आवाज आ रही है बट सर आवाज आ रही है बोल दिया करो ना बच्चे यहाँ पे माइक की प्रॉब्लम है इसलिए कोई ना कोई बोल दिया करो बीच में मैं कंटिन्यू करता रहूँ साथ में ठीक है सुनाओ दिस इज प्रायोरिटी एनकोडर ऑल ऑफ यू शोन योर डायग्राम प्रायोरिटी एनकोडर पे मेरे पास चार इनपुट है इनपुट डी जीरो डी टू डी जीरो मेरे पास इनपुट है It should have the lowest priority. Okay? And D3, it should be known HP, that is the highest priority input. Means priority encoder mein meri kya hai? Jo input hai, it should be on priority. D0, meri char input hai. D0, D1, D2 and D3. In that case, D0 input is now lowest priority and D3 is now highest priority. Clear all of you? In case of highest priority and the output is now Y1 and Y0. So now I have to draw the truth table for that. विड्रॉ ही कर रहा हूं मैं जान ही रहा हूं इतने बच्चे भी देखो बच्चे एक तो इसका ट्रुथ टेबल सबको दिखाई दे रहा है सारे सारे कंपोनेंट बीच में दिखाई दे रहे हैं सबको सबको विजिबल है बच्चे ट्रुथ टेबल ऑफ द प्रायोरिटी एनकोडर यस सर ओके यस सर सबसे पहले है प्रायोरिटी एनकोडर में दोबारा बच्चे एक्सप्लेन कर रहा हूं इट शुड हैव द फोर इनपुट दैट इज द D0 टू D3 With the help of your priority, D0 input have the lowest priority and D3 have the highest priority because that is should be known as your priority encoder. And it should have the two output Y1 and Y0. Means, अगर इसकी 2^n मान लो input हो गई है, तो n क्या है इसकी output? For example, for that case means 4 input and the 2 output here. Okay. Sorry. Now, there are 4 inputs, D0 through D3 and 2 output Y1 and Y0. Out of the 4 input,
D3 has highest priority and D0 has the lowest priority. I have already discussed with you. Means, अगर मेरी मान लो D3 की वैल्यू 1 होती है, means highest priority मेरी है D3 की. अगर मेरी D3 की वैल्यू 1 होती है, then Y1 and Y0 should be 1-1. Now, tell the this case. ये discuss सबसे पहले case करते हैं. Highest priority पे आ जाओ. Highest priority में क्या है? मान लो मेरी highest priority थी D3 पे. D3 के केस में मेरा यहां पे वैल्यू 1 आ गई. मींस मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी है D3. D3 का डाटा जब 1 होता है, आई हैव डज नॉट बॉदर दी अदर इनपुट्स. बाकी इनपुट्स 0 है कि 1 है, मैंने वहां पे डोंट केयर कर दिया D0 D1 D2 कि उस पे कौन सी मर्जी इनपुट हो, मेरी आउटपुट 1-1 आउटपुट आएगी. अकॉर्डिंग टू दिस वन, मींस जो मेरी आउटपुट D3 पे हाईएस्ट प्रायोरिटी मेरी जब डिस्कस हो रही है, उसके भी आप पे मुझे नीचे वाली प्रायोरिटी को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज़ D3 इज नाउ माय हाईएस्ट प्रायोरिटी. अगर D3 की वैल्यू 1 है, देन Y1 एंड Y0 इट शुड बी इक्वल टू 1-1 इन रिस्पेक्टिव ऑफ द अदर इनपुट. मेरे बेटे को ये बात समझ लगी बच्चा सबको? यस सर. मींस आई हैव टू चूजन द इनपुट डिपेंड अपॉन द प्रायोरिटी लेवल. अगर मेरी D3 की वैल्यू 1 हो गई है, तो बाकी इनपुट्स की मेरे पे कोई वैल्यू नहीं है ड्यू टू द प्रायोरिटी बेसिस. बाकी कोई भी क्रॉस हो, मींस कोई भी डॉट के टर्म 0-1 आइदर हो, आई हैव टू डज नॉट बॉर्डर अबाउट दिस थिंग. माय आउटपुट इज 1-1. ओके, नाउ द सेकंड केस, इफ D3 इज नाउ 0, D3 इज नाउ 0, मान लो D3 की वैल्यू 0 हो गई है, उस केस में अब D2 की वैल्यू 1 हो गई है, तो मेरी उसके अलावा उससे लोएस्ट प्रायोरिटी अब D2 की रहेगी. मींस D3 की वैल्यू तो लोएस्ट प्रायोरिटी में आ गई, वो 0 हो गया, उसकी प्रायोरिटी हम देखेंगे नहीं. उसके बाद प्रायोरिटी आ गई आपकी D2 की, उसके अकॉर्डिंग D1 और D0 की वैल्यू कोई भी रहे, इट डज नॉट बॉदर. वी हैव टू लुक अप द प्रायोरिटी ऑफ द D3 टू D2. D3 हाईएस्ट थी, उसकी वैल्यू 0 है, उसकी प्रायोरिटी हम देख लें. उसके अलावा D2 की प्रायोरिटी आ गई. D2 की वैल्यू अगर 1 है, तो बाकी वैल्यू क्रॉस क्रॉस आई, इनपुट कुछ भी हो, D0 की इनपुट कुछ भी हो, चाहे D1 की इनपुट कुछ भी हो, आपकी जो आउटपुट आएगी वो आएगी 1-0. क्लियर? नाउ उसके बाद आपकी प्रायोरिटी शिफ्ट होगी D1 पे. जब D1 पे प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई है, तो उस केस में मेरी ऑलरेडी D3 और D2 0 होगी, तो मैं D1 की प्रायोरिटी पर सेट करूंगा. क्यों? मींस मेरी प्रायोरिटी लेवल डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रही है D3 से D0 तक. ओके, जब D1 की प्रायोरिटी आई, तो ये ऑलरेडी D3 D2 0 होने चाहिए, और D0 की वैल्यू 0-1 हो, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज इट शुड हैव द लोएस्ट प्रायोरिटी. तो उस केस में मेरी वैल्यू आउटपुट की आ गई 0-1. ये वही कॉम्बिनेशन बने हुए हैं 0-0-0-1-1-0-1-1, जो बाइनरी की आउटपुट की कॉम्बिनेशन है. नाउ If I am go to the lowest priority, जब lowest priority की value 1 आई, पहले तीनों highest priority की value 0 आएगी, तभी हम lowest priority की बात सुनेंगे. अब उसकी value 1 हो गई, तो उसके से value मेरी क्या आ गई है? 0-0. Clear? Now, if there is all data are 0, output कुछ भी हो, it does not matter, output कोई effectively नहीं है. So that is the finalized truth table of the priority encoder. That should be priority based on your D3 to D0 or either D0 to D1. देखो इस ट्रुथ टेबल में किसी को डाउट? नो सर. कि मींस किस प्रायोरिटी लेवल पे हमारी क्या वैल्यू होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू आएगी. मींस जब हमारी लोएस्ट प्रायोरिटी होगी, तो उस केस में मेरी वैल्यू 0-0 होगी. उससे बड़ी प्रायोरिटी होगी, तब वैल्यू 0-1 हो जाएगी. जब उससे बड़ी प्रायोरिटी हो जाएगी, 1-0 आ जाएगी. जब फाइनलाइज प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी आ जाएगी, तो आउटपुट क्या आएगी? 1-1. सो दैट इज priority encoder of in the case of the first type of encoder. Tell anyone having the doubt up to this end. Sir, highest के पास बाद में J कौन सा J क्या है? Next. क्या दोबारा बोलो बच्चे. Sir, एक column है ना highest, उसके साथ जो J है वो क्या है? J नहीं है बच्चे, that is the inputs. एक highest priority है D3, और उसके ऊपर इनपुट हमने D2 और D1 को प्रायोरिटी नहीं ना दी, वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर पे प्रायोरिटी जा रही है, वो इनपुट हो गई है. चारों ही इनपुट, बट प्रायोरिटी बेस के ऊपर हाईएस्ट है, लोएस्ट है, और वो इनपुट्स हैं. यस सर. एनीवन हैविंग द डाउट अप टू दिस ट्रुथ टेबल? ये ट्रुथ टेबल इसका इंपॉर्टेंट है बेसिकली. क्लियर अप टू दिस पॉइंट? क्लियर सर.
ओके सो नाउ अब इसके भी यहाँ पे अब इसका हमने बनाना है के मैप. देखो यहां तक हमने टू टेबल सॉल्व हुआ. अब इसका के मैप बनाएंगे. इसको इसको प्रायोरिटी अकाउंटर को ड्रॉ कैसे करेंगे ये देखना हमें. यहां पे हमारी आउटपुट क्या है y1 और आउटपुट क्या है y0. ओके अब इसके अकॉर्डिंग जो मेरा ट्रुथ टेबल बनेगा चार आउटपुट है चार आउटपुट के इनपुट है सॉरी चार इनपुट के अकॉर्डिंग मेरा 16 बॉक्सेस का के मैप बनना चाहिए. यस और नो. इनपुट चार है ना d0 d1 d2 d3 इनपुट फोर कॉम्बिनेशन है उस फोर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग मेरा 16 बॉक्सेस का के मैप ही बनेगा. अब वहां पे वैल्यू कैसे फिल अप करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस ट्रुथ टेबल आई हैव टू डिसाइड दिस वन. दिस इज योर y1 ये y1 का पहले बनाते हैं दैट इज d0 d1 d3 एंड d2. ओके अब देखो y1 पे 0 पे क्या है डोंट केयर वैल्यू होगी स्ट्रांग मैं लिख देता हूं आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा 3 0 पे क्या है आपका क्रॉस ये क्रॉस कर दो यहाँ पे. ओके नाउ 1 पे क्या आया वन बाइंड्री है तो क्या लिखा आ गया वहां पे जीरो ये जीरो आ जाएगा बिकॉज़ ये चार कॉम्बिनेशन आएंगे ना जीरो पे क्या था क्रॉस वन पे क्या था जीरो और वन के बाद टू पे क्या आ गया टू पे भी जीरो आ गया यहां पे डॉट केयर है टू पे भी जीरो और थ्री पे भी जीरो. ये देखो स्टेप अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं यहां पे. यस मीन्स वहां पे क्रॉस लिखा हुआ है means that is a binary for 2 and 3. अगर यहाँ पे 0 होगा तब भी 0 है अगर यहाँ पे 1 होगा तब भी 0 है. means अगर 0 होगा तो वो second वाली minterm आएगी उस पे 0 आ गया अगर 1 होगा तो उस केस में 3 आ जाएगा तो वो उसके उसके minterm आ जाएगी. ओके हमारे नियन रोबत हुई है लोग व्यस्तिकाजरे रुको रुको बच्चे चलो ये क्लियर हो गया बच्चे सबको बताओ पहले कि यहाँ पे मैंने 0 0 क्यों लिखा है क्रॉस मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू 0 मेन टर्म 1 पे था 0 और 2 3 पे भी 0 ही आ रहा है बाकी आप सब पे देखोगे ना तो 1 1 ही आएगा देखना क्योंकि यहाँ 1 है तो सब में क्रॉस है कोई 0 1 कुछ भी ले लो आंसर क्या आएगा आपका वाई वन की वैल्यू क्या आ रही है 1 ही आ रही है. ठीक है बच्चे ये देखो यहाँ तक ये पता लगा के मैप कैसे बनाना है. यस सर तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया ये ए दो आपके ऑक्टेट बन गए हैं. एक्सक्यूज मी सर. हां जी बताओ सर एक बार के मैप रिपीट कर दे सर किस तरह बनाना पड़ेगा. मैं के मैप मैंने बनाना है आउटपुट का y1 और y0 का क्लियर
Y1 के अकॉर्डिंग मेरे पास चार इनपुट है, चार इनपुट करके मेरी मेरी 16 बॉक्सेस का के मैप बनेगा, क्लियर? D0, D1, D2 एंड D3, क्लियर? नाउ व्हाट इज द मिन टर्म्स वैल्यू? अब हमें मिन टर्म की वैल्यू ढूंढनी है. देखो 0, 0 के वैल्यू पे क्या आ गया? डॉट के टर्म क्रॉस. जी सर, एक सेकंड में. जी बच्चे बताओ, अब देख लिया यहाँ का टू टेबल पता लग गया अब के में आपका? हेलो, यस सर. ठीक है, तो मींस जीरो पे जब आया तो मेरा क्रॉस आ गया डॉट के. अब यहाँ पे मेरा जीरो था, ये बाइनरी वन का जीरो, वन का जीरो कर दिया. अब बाइनरी यहाँ पे वन आ गया, ये तो जीरो जीरो रहना ही है. यहाँ पे क्रॉस आ गया, क्रॉस आने का मीनिंग मिलता है ये बाइनरी है टू और थ्री की. टू और थ्री की बाइनरी में क्या आंसर आएगा? जीरो. उसके अकॉर्डिंग जीरो आ गया, जो आपकी वैल्यू आएगी ना यहाँ पे, इट शुड बी इक्वल टू डी टू प्लस डी थ्री, क्योंकि ऑक्टेट बन गया आपका. इस वाले ऑक्टेट पे देखोगे तो ये कॉमन आएगा आपका, ऊपर वैसे तो कॉमन आएगा नहीं, हॉरिजॉन्टल कॉमन आएगा, यहाँ से डी टू आ गया. मींस ये ऑक्टेट की वैल्यू डी टू है और इसकी वैल्यू डी थ्री है. क्लियर एवरीवन? क्लियर है बच्चे? यस सर. तो सिमिलरली आप ट्रुथ टेबल बनाओ वाई नॉट का, तो वाई नॉट पे वैल्यू निकलेगी आपकी, दैट शुड बी नाउ डी थ्री प्लस डी टू बार. मींस यहाँ पे बेसिकली ना हमने ट्रुथ टेबल बनना तो 16 इनपुट का ही था, बट हमने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग 16 इनपुट वाला बनाया नहीं, बनाया चार में ही वो डिस्क्राइब कर दिया अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी लेवल. बाकी सभी इनपुट को डोंट केयर कर दिया हमें, डज नॉट बॉर्डर, हमारी आउटपुट तो वही आनी है. ठीक है, तो जो हमारी वाई नॉट की वैल्यू आनी थी, वाई नॉट इट शुड बी नाउ डी थ्री प्लस डी टू बार डी वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई नॉट एंड वाई वन. इसके अकॉर्डिंग फिर लास्ट में आप लॉजिक डायग्राम बना लो दोनों को सोल्व करके, तो डी जीरो डी वन डी टू एंड डी थ्री, यू हैव टू ड्रॉ द लास्ट लॉजिक डायग्राम फॉर दैट. ये मैं चाहे आपको यहाँ बना ही देता हूँ लॉजिक डायग्राम, आपको सबको रिपीट भी हो जाएगा. Means that is the requirement. D2, D3, D सभी है इसमें. ये देखो D1, D2, D3, D4 है इन, सॉरी D4 है इन इसमें. तो सबसे पहले Y1 क्या है? D1 plus D2 plus D3. Means it should be now OR gate. D2 plus है ना, D2 plus D3. This is the value of Y1. D2 is the D2 plus D3. Now why not? Why not? It should be equal to the AND gate का किसका है? AND gate है D1 का plus D2 bar का. D2 bar means यहाँ पे एक NOT gate भी लगाना पड़ेगा, जिसका जो value आएगी, this is your D2 bar
डी वन, अब इन दोनों का लग जाएगा और गेट विद ईयर डी थ्री, दिस इज और गेट, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई नॉट. नाउ क्लियर, दैट इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ अ प्रायोरिटी एनकोडर. देखो बच्चे क्लियर है सबको, ऑल ऑफ देम हैविंग द क्लियर द प्रायोरिटी एनकोडर. यस सर. ठीक है बच्चे, सो नाउ दैट इज द एनकोडर पार्ट वी हैव टू कवर. फर्स्ट वन इज द प्रायोरिटी एनकोडर. इसके अकॉर्डिंग अब आपका एक ना सेकंड एनकोडर भी यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर. ये फर्स्ट वाला हो गया, अब सेकंड वाला रिपीट कर लेते हैं. एग्जांपल कोई भी एक दो कर लेते हैं उसमें. क्लियर, सेकंड एनकोडर इज नाउ ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर. ये सारा कुछ पीपीटी भी है बच्चे, मगर यू हैव टू सॉल्व और नोट डाउन इन योर नोटबुक्स एज पर आई एम डूइंग इन योर बोर्ड, दैट इज वेरी ओके विद यू. नाउ एनकोडर इन दैट, अब इस ऑक्टल में क्या है, आई हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. ऑक्टल मींस आठ इनपुट है आपकी. क्लियर, इनपुट इज नाउ डी जीरो से लेकर डी सेवन तक, एंड बाइनरी एनकोडर, बाइनरी इनपुट आएगी, that is b 0 b 1 and b 2, that is your output, that is the diagram of your octal to binary encoder. clear, ab iske according to triple kaisa hoga, ye diagram main erase kar raha hu dobara bachche. this is a defining octal to binary encoder. octal to binary encoder means 8 inputs aayengi aur 3 output aayengi, 2:3 input and the 3 should be now output, that is the reverse operation of the decoder. iska agar main truth table banaunga to aise banega, inputs D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 and D7. This is the input. Output is now B0 se leke B3 tak, B2 tak. B0, B1 and B2. Okay. So now if I am doing the input, ऐसे इस पे 1 आएगा, D7 पे 1 होगा और लास्ट पे आउटपुट आएगी 1. चार, छः, ये होगी इसकी आउटपुट लास्ट पे बच्चे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and your 6. बाकी सब 0 आएगा बच्चे. सर ये कैसे? सर ये कैसे आएगी आउटपुट? मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड. ये मान लो कि अगर D0 की वैल्यू 1 होगी तो इन दैट केस आउटपुट इज नाउ दिस वन. अगर D1 की वैल्यू 1 होगी तब आउटपुट 1 आएगी, D2 की वैल्यू 1 होगी तब आउटपुट ये आएगी, D3 की वैल्यू 1 होगी खाली ये वाली, बाकी सब 0 होगी तो मेरा डेसिमल 3 डिस्प्ले होगा. अगर D4 की वैल्यू हाईलाइट होगी तब मेरा 4 आएगा. दैट इज द कॉरस्पोंडिंग आउट इन दिस, यस सर. दिस ऑक्टल टू बाइनरी
एनकोडर yes, सर सब जीरो आ जाएगा बच्चे yes, sir. सब पे जीरो आ जाएगा बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक बिट आएगी अगर डी जीरो है तो जीरो बाइनरी आ जाएगी अगर डी वन है तो वन आ जाएगा अगर यहाँ पे डी सेवन है तो तीनों वन आ जाएगा सो दैट इज योर ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर Tell anyone having the doubt up to this end encoder and decoder part. Encoder part, sorry. Tell anyone. Sir, hex ka bhi to same hoega 16 ho jange input. Ek second, bache, ek second hold karo bas. Now, बच्चे बताओ इस पे anyone having the doubt up to this end any query up to this end regarding the encoder and the decoder part with the help of the seven segment and the priority and the octal to binary decoder encoder clear sir clear है बच्चे yes sir sir excuse me next part करते हैं बताओ बताओ बच्चे anyone having the doubt clear sir hexa में 16 inputs आ जाएंगी हाँ hexa में क्या हो गया 16 आ जाएंगी बिल्कुल सही बात है very same हेक्सा में 16 आ गई और 4 बाइनरी आ जाएगी यस सर बस और क्या पैसा ही हो जाएगा बन जाएगा यस सर ठीक है सेम ही बन जाएगा सिमिलर ही बन जाएगा हां बट एनकोडर पार्ट हो गया क्लियर यस सर चलो ये बिना इसमें ना पीपीटी में भी चाहे एक बार देख लो आप बच्चे पीपीटी में आके गो थ्रू कर रहा हूं ये ए टू बाइनरी एनकोडर जैसे मैंने अभी बनाया वो डायग्राम आपको मिल गई है सामने प्रायोरिटी एनकोडर की भी उसने दी हुई है देखो उसने तीन इनपुट लिए हमने दो इनपुट ली थी आउटपुट उसने तीन आउटपुट ली है प्रायोरिटी एनकोडर में ये है बेसिकली क्लियर जो पीपीटी में है वो आपको उसने इसलिए मैंने अलग इनपुट से आपको करवा दिया कि पीपीटी में आपको अलग से दो तीन इनपुट की मिल जाएगी नाउ आई हैव टू डिस्कस विद द सम अदर पार्ट मैं ना आपको दूसरी पीपीटी अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग इट पोल है पोल भी चलो इनिशियल कर दी पहले वाह ये बच्चे पोल एक दो है ये करो सबसे पहला चलो ये पोल है बच्चे सब सॉल्व करो करके बताओ मेरे को जल्दी
कितने बच्चे सॉल्व दिस सीरीज क्वेश्चन ओनली 20 स्टूडेंट्स आर पेंडिंग राइट नाउ गिव द आंसर विद इन फ्यू मिनट फ्यू सेकंड्स जल्दी करो आगे करें सर फोर टाइप्स ऑफ एनकोडर केड़ियां केड़ियां सी सर एक प्रायोरिटी एनकोडर एक ऑक्टल टू बाइनरी एंड सर बाकी तो केड़ियां सी हेक्सा टू बाइनरी एंड सर एक और हेक्सा टू बाइनरी होगी ना डेसिमल टू बीसीडी सर पोल का आंसर क्या था क्लोज करने को मैं क्लोज कर रहा हूं बच्चे पोल Answer is now combinational circuit. Yes. Logic circuit नहीं है logic circuit तो सारे ही होते हैं but that is majorly कई ने half and 25 quiz जानों ने logical भी answer दिया but answer is now combinational circuit. Okay. ये बताओ. Second poll. हो गया यस सर आई हैव एंड ऑफ दिस पोल आंसर इज नाउ डिकोडिंग प्रोसेस ओके यस सर नाउ बच्चे स्टार्ट विद द नेक्स्ट यूनिट विद द डिस्कशन विद द सीक्वेंशियल सर्किट पिछले हमने अभी जितने भी सर्किट पढ़े हैं दैट इज द स्टार्टिंग विद वन आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू हेलो एवरीवन यस हेलो हेलो यस सर प्रीवियसली हमने जितने भी सर्किट पढ़े हैं दैट इज द स्टार्टिंग फ्रॉम द हाफ एडर फुल एडर हाफ सबट्रैक्टर फुल सबट्रैक्टर मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर एनकोडर डिकोडर That are under the category of combinational circuit. Why combinational circuit? Because output must be depend upon the combination of the input. It does not depend upon the past and the previous value of the input. Means जितने भी हमने output define की है, वो input की combination से ही हमें output मिल पा रही है. Okay. So now the second part is now sequential circuit. Sequential circuit is now basically it should be a combinational circuit with the help of some memory unit or memory element so basically the sequential circuit are those circuit in which there is a memory element or memory cell in which output should be depend upon the previous input and the past outputs means jo uski output hai वो मेमोरी में एक तरह का स्टोरेज यूनिट की तरह काम कर रही है जिसके अकॉर्डिंग हमारी प्रीवियस इनपुट्स भी और पास्ट आउटपुट्स भी उसकी आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर सकती है
So that's why it is known as your sequential circuit. That is a combination with the some additional part of the memory unit. It should be including in that. That is the complete diagram. It should be known as your sequential circuit. So means the output must be depend upon the past and the previous values. Where all of you, that is the difference between your combinational and the sequential circuit. Clear हुआ कुछ part? Yes, sir. Hello, everyone. Clear हो गया yes, बच्चे sir. Difference between combinational yes, sir. And the sequential circuit. Yes, sir. Okay. Now, so according to your sequential circuit, sir, एक बारी repeat कर दो sir. Repeat बच्चे ये है. Sequential circuit are those circuit which will include here some memory element. Due to the memory element, the output of the sequential circuit must depend upon the also depend upon the previous input and the past output. Means किसी previous और past output को पे भी इसकी output depend हो सकती है. अगर इन चीजों पे depend होगी तो previous input और output को कहीं पे save करेंगे. That's why it is include here memory cell. Memory उसपे use होती है उस चीज को storage करने के लिए. Clear? उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंशियल सर्किट जो उसके मेमोरी यूनिट होती है उसको हम क्लॉक प्रोवाइड करते हैं. क्लॉक सर, क्लॉक साइकिल. ओके, सो नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट. सीक्वेंशियल सर्किट में कौन-कौन सी टाइप्स, कौन-कौन से सर्किट आते हैं जो हम बेसिकली हम डिस्कस करेंगे. दैट इज द डिस्कशन इज टाइप दैट इज नोन एज योर फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स, resistors. I have the discussion each and everyone flip flop, counter and the resistor in their sequential circuits. Okay, so now I have the starting with the first one, that is the flip flop. Okay, flip flop. फ्लिप फ्लॉप क्या होता है बेसिकली. अब यहाँ पे हम ये चीज पहले सबसे पहले डिफाइन सुनते हैं. ए फ्लिप फ्लॉप इज आल्सो नोन एज ए बेसिक डिजिटल मेमोरी सर्किट. इट हैज टू स्टेबल स्टेट, लॉजिक वन स्टेट एंड द लॉजिक जीरो स्टेट. मींस फ्लिप फ्लॉप जो होता है इट शुड बी द टाइप ऑफ योर मेमोरी सेल. इट विल बी स्टोर फॉर ए सिंगल बिट एट ए टाइम एंड इट शुड बी हैव द टू स्टेट, logic one state and logic zero state. Okay, and it can be designed either NOR gate, either NAND gate. Okay, it should be designed either NOR gate or NAND gate. Hum NAND gate se sari theories ki discuss karenge by using your sare flip flop ko NAND gate se discussion karenge. Okay, iske according hamare paas ek फ्लिप फ्लॉप होता है. फ्लिप फ्लॉप मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ योर क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर ऑन द एनोड. मीन्स एक डायग्राम है मेरे पास यहाँ पे. This is Q and this is Q bar. This is a diagram should be known as cross-coupled inverter. Cross-coupled inverter as memory element. Okay. This is a diagram with the consider of the two NAND gate and output of the one NAND gate is cross coupled to with the input of the another NAND gate. और दूसरे की output पहले वाले की input बन जाती है and output should be now Q and Q bar. Output should be now Q and the second output is the complement of the first output. देखो बच्चे यहाँ तक चीज clear हुई सबसे पहले. What is the cross coupled inverter as a memory element? Yes sir. Okay. So now,
इट शुड बी। सबसे पहले इसकी रिकवरी देख लेते हैं, इसके कुछ पार्ट देख लेते हैं। मान लो if we assume that output of the gate one is q1, मान लो q की जो वैल्यू है वो मेरी 1, अगर q की वैल्यू 1 है तो मेरी b2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि अजी इसकी जो आउटपुट है वो इसकी इनपुट बनी हुई है। b2 yes, की वैल्यू 1 हो जाएगी, मींस b2 की वैल्यू अगर 1 है तो मींस q बार की वैल्यू 0 हो जाएगी। मींस दोनों 1 है तो NAND गेट की आउटपुट क्या होगी, अगर NAND गेट पे दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगी, what is output of the NAND gate if input is now 1, then tell, 0 0 this make QL continuous with another means, ये हमारी फिनोमेना ट्री हो गया। हमने अज्यूम किया Q की वैल्यू अगर 1 है तो Q बार की वैल्यू 0 आ गई उसकी कंप्लीमेंट की, अकॉर्डिंग टू दिस क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर। चेक आउट दिस आउटपुट बच्चे, ये क्लियर हो गया सबको के नहीं? देखो yes, अगर मैंने अज्यूम किया Q की वैल्यू 1 है, वही 1 की वैल्यू इनपुट गई इस पे, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 1, 1 की अब इसकी आउटपुट 0 आ गई, मींस B Q1 इज नाउ 0। अगर यही 0 यहां पे जाती है तो ये 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मींस दिस फिनोमेनन इज ट्रू, मींस आउटपुट ऑफ द सर्किट Q एंड Q बार विल ऑलवेज बी कॉम्प्लीमेंट्री। दिस मीन इफ Q इज 0 एंड Q बार इज वाइस वर्सा, इट विल नेवर हैपन, Q एंड Q बार शुड बी इक्वल इन दिस वे, ये दोनों आपस में हमेशा वाइस वर्सा ही रहेंगे, बिकॉज Q एंड Q बार आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री केस, और कॉम्प्लीमेंट्री केस में दोनों वाइस वर्सा ही होंगे। क्लियर? सो नाउ इस सर्किट की बेसिकली टू स्टेबल स्टेट है, मान लो 1 स्टेबल स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू, अगर Q की वैल्यू 1 होती है एंड Q बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0, दैट शुड बी नोन एज योर सेट स्टेट। अगर Q की वैल्यू 1 है, Q बार की वैल्यू 0 है, दिस शुड बी नोन एज योर सेट स्टेट। अगर Q की वैल्यू 0 हो जाती है, इसकी 1 होती है, देन इट शुड बी नोन एज योर रीसेट स्टेट। ये पॉइंट नोट कर लो बच्चे यहां पे, अगर Q की वैल्यू 1 और Q बार की 0 होती है, दैट इट शुड बी नोन एज योर सेट स्टेट। अगर Q की वैल्यू 0 Q बार की वैल्यू 1 होती है, दैट शुड बी नोन एज योर रीसेट स्टेट। Okay everyone, clear up to this point? Yes sir. Okay. यहां तक क्लियर हो गया बच्चे? So basically this is yes, I have sir. Discussing the cross coupled inverter and it is also a known as a single bit memory cell. This circuit will be stored as the single bit at a time. ये जो circuit मैंने बनाया by using AND gate, this is a circuit by using to storing the one memory cell one bit at a time. एक bit को store करने के लिए ये circuit use किया गया है. Okay? Clear everyone? सबने draw कर लिया ये circuit? मैं इसको erase करने लगा हूँ. Next आगे चलने लगा हूँ. Now, next है आपका latch. लैच क्या है बेसिकली, डायग्राम बना दो पहले। Now, this is should be known as your modified
मेमोरी सेल। पिछला जो सर्किट था दैट इज द स्टोरिंग विद द वन बिट एट ए टाइम। अब इसमें क्या है, द क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर दैट इज द प्रीवियस डायग्राम आई हैव राइट इन द बोर्ड। ओके आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू बच्चे? हेलो बच्चे आवाज आ रही है? ओके ओके यस सर। सो नाउ द प्रीवियस द क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर आई हैव टू ड्रॉ द प्रीवियस डायग्राम इज द कैपेबल ऑफ योर लॉकिंग और लैचिंग द इन्फॉर्मेशन। मीन्स उस पर्टिकुलर एक बिट को लॉक और लैच करने के लिए वो सर्किट यूज किया गया है। ओके देयरफॉर दिस सर्किट इज आल्सो नोन एज अ लैच। उस सर्किट को हम लैच भी बोलते हैं। क्लियर? सेम सर्किट जो हमने पिछली बार बनाया था जो इस डायग्राम से पहले, दैट सर्किट इज आल्सो नोन एज लैच बिकॉज़ दैट इज लॉकिंग और लैचिंग द इंफॉर्मेशन फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए यूज किया गया था। क्लियर? इसलिए हम इस सर्किट को लैच भी बोलते हैं। बट द ड्रॉबैक ऑफ द सर्किट इज दैट द ड्रॉबैक ऑफ दिस सर्किट इज दैट वी कैन नॉट एंटर द डिजायर्ड डिजिटल डेटा इनटू इट। मींस जैसे हमारी प्रीवियस वाला हमने जो डायग्राम बनाई थी उसपे हमारे पास इनपुट नहीं थी। वी हैव द इनपुट फ्रॉम द आउटपुट फ्रॉम द अदर गेट। यहाँ पे क्या हो गया, हमने इस सर्किट को कुछ मॉडिफाइड किया कि दिस ड्रॉबैक कैन बी ओवरकम बाय मॉडिफाइड दिस सर्किट। मींस दिस मॉडिफाइड अलाउ अस टू एंटर द डिजायर्ड डिजिटल डेटा इनटू दैट। पहले डायग्राम थी हमारी दो नैंड को लेके ही, उस पे हम इनपुट वैल्यू नहीं दे सकते थे बिकॉज जो हमारी इनपुट थी वो उसकी दूसरे की फीडबैक ही पहले की इनपुट बन रही थी। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, मैंने चार गेट डिसाइड किए और दो नैंड गेट और लगा दिए, दोनों की इनपुट कंबाइन कर दिया और उसको एस और आर डिनोट कर दिया। इससे कि वहां हम एस और आर की इनपुट वहां अपनी मर्जी से डिजायर्ड इनपुट दे सकते हैं। ओके सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे ना कुछ केस डिस्कस होते हैं। अब ये केस ध्यान से सुनना बच्चे, सभी आवाज आ रही है बच्चे सबको? I am audible to all of you. Listen carefully, बच्चे जहाँ पे जिसको doubt of पूछो, that is a very important thing. ये चीज समझानी बहुत जरूरी है जो अभी आपको समझाने जा रहा हूँ. This is a diagram. I am audible to all of you. Firstly, कोई response कर दे बच्चे, ठीक है तो? Yes sir. Okay okay. Now the first case is now if s is equal to zero, r is equal to zero. मैंने सबसे पहला case लिया because this circuit is modified by the desired input. मैं अपनी मर्जी से भी इनपुट दे सकता हूं तो उसके अकॉर्डिंग मेरे यहाँ पे दो इनपुट है तो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं। ओके सबसे पहला मैंने केस लिया व्हेन एस इज इक्वल टू जीरो और आर इज इक्वल टू जीरो। ओके उस केस में मान लो मैंने किया कि एस की वैल्यू जीरो है और आर की वैल्यू भी जीरो है तो मेरी यहाँ पे वैल्यू वन वन आ जाएगी। देखो आउटपुट ऑफ द गेट नंबर वन एंड द गेट नंबर टू, किसी भी नैंड गेट की वैल्यू दोनों जीरो होगी तो मेरी आउटपुट वन आनेगी बिकॉज इट शुड बी एक्टलाइज्ड एज इन्वर्टर। अगर मान लो मेरी दोनों की वैल्यू वन हो गई है सो इनिशियली मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरी क्यू की वैल्यू ना जीरो है। आई हैव टू अज्यूम क्यू इज इक्वल टू जीरो ओके एंड क्यू बार इज इक्वल टू वन। तो वन वाली वैल्यू जो वन है यहाँ पे मैंने अज्यूम किया, अज्यूम लेट क्यू इज इक्वल टू जीरो क्यू बार इज इक्वल टू वन, दोनों वन चले गए, वन एंड वन आउटपुट क्या आएगी? वन वन इसकी वन एक इनपुट इधर चलेगी, यहां पे भी वन आ गई, वन और वन इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगी गेट नंबर थ्री पे? वन आएगी सर। जीरो सर एंड गेट है, नैंड नैंड सभी नैंड गेट है बच्चे, सभी नैंड गेट है। देखो बबल बनाया हुआ मैंने। ओके सर मींस ये वैल्यू वन हो गई, ये भी वैल्यू वन होगी तो आउटपुट क्या आ गई Q की वैल्यू जीरो आ गई। ओके सो नो अगर मैंने यहां पे जीरो था यहां पे वैल्यू वन आ गई तो इसकी वैल्यू Q की फीडबैक से जीरो आ गई, वन जीरो की वैल्यू होके आउटपुट क्या आ गई? वन जीरो वन आ गई। यस फीडबैक जीरो मींस इस केस में क्या हुआ द आउटपुट देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द आउटपुट। मैंने अज्यूम किया था Q इज इक्वल टू जीरो और Q बार इज इक्वल टू वन तो ये आउटपुट देने के बाद अगर मेरी S की वैल्यू 1 0 और R की वैल्यू 0 रहती है मेरी आउटपुट फिर क्या आ गई? 0 1 नहीं आई है, तब भी मेरी मैंने अज्यूम करके आउटपुट फिर 0 और 1 नहीं आई है ना दोबारा। यस सर मींस द
there is no change in the state when s is equal to 0 and r is equal to 0. There is no change. Should be known as here, no change in the state when s is equal to 0 or r is equal to 0. Now I have discussed on the case 2. When s is equal to 1 and r is equal to 0. अब सभी दोबारा देखो, इवन भूल जाओ अभी आप. अब मान लो s is equal to 1, r is equal to 0. s की वैल्यू 1 है, मान लो s की वैल्यू यहां पे 1 है, r की वैल्यू 0 होगी. 1 पे वैल्यू इन्वर्टर 0 होगी, इसकी वैल्यू 1 हो गई 0. Yes, sir. ठीक है, अगर किसी की वैल्यू जीरो आ गई है यहां पे, तो मेरे नैंड गेट की आउटपुट क्या आएगी? सर वन आएगी, बिकॉज एक इनपुट अगर जीरो हो गई है तो मेरी आउटपुट हमेशा वन ही आएगी. मीन्स यहाँ पे वन है और इसकी वन की आउटपुट वन रहेगी, तो आउटपुट क्या आ गई यहाँ पे? जीरो. जीरो मीन्स क्यू शुड बी नाउ वन एंड क्यू बार इज इक्वल टू जीरो. जीरो मीन्स वेन एस इज इक्वल टू वन, R is equal to 0, Q1, Q की value 1 और Q bar की value 0, तो मेरी कौन सी state होती है? मैंने पीछे लिखवाया था आपको, set और reset. Reset. Tell, tell, tell. When Q is equal to 1 and Q bar is equal to 0, set state. Set state. Yes, sir. तो यहाँ तक clear है सबको? किसी को doubt up to this end? Anyone having the doubt up to this end, बच्चे? बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लिप फ्लॉप सारा इसी के बेस पे है आगे. नाउ आई हैव द डिस्कशन केस नंबर 3. व्हेन s इज इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 1. मान लो s इज इक्वल टू 0 है और r 1. r 1 हो गया तो ये वैल्यू 0 हो गई. यस सर. अगर ये वैल्यू जीरो है तो मेरी इसकी फोर गेट की आउटपुट क्या आएगी? वन, हमेशा ही वन आएगी. मींस अगर ये जीरो है, कोई भी इनपुट जीरो रहेगी, इसकी वैल्यू वन आएगी. वन और वन क्या हो गया? आउटपुट शुड रिमेन इवन जीरो. सो क्यू जीरो और क्यू बार की वैल्यू वन आएगी, तो कौन सी स्टेट होगी? रीसेट स्टेट. क्लियर एवरीवन अप टू दिस पॉइंट? यस सर. नाउ आई हैव द लास्ट केस डिस्कशन, case 4. When s is equal to 1 and r equal to 1. दोनों की value 1 1 है. Output क्या आएगी? 0 and 0. सर यहाँ पे q भी 0 होगा तो q dash भी 1 होगा और q भी 1. अगर दोनों की input 0 हो जा रही है तो output क्या आएगी दोनों की? 1. वन वन. इट इज फिजिबल कि क्यू की वैल्यू भी वन हो और क्यू बार की वैल्यू भी वन हो? इट इज फिजिबल और नॉट? नो सर. इट इज नॉट ए फिजिबल कि किसी का कंप्लीमेंट करो तो उसकी वैल्यू सेम आ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल है? नो सर. नो मींस इन द केस ऑफ s इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1, दिस इज योर इनवैलिड स्टेट. Invalid state or prohibited state. Clear everyone? Yes, sir. ये चारों के चारों केस बच्चे एक बार देख लो. I have the discussion each and every case with the help of your latch having the desired input by the user. देख लो बच्चे, किसी को यहां तक, किसी को डाउट? ये चारों के चारों केस देख लो बच्चे, किसी को डाउट यहां तक? यही चारों का बेस बना के हमने सारे फ्लिप फ्लॉप डिस्कस कर देने आगे. एनीवन हैविंग द डाउट एंड द क्लियर विद मी?
क्लियर है बच्चे सबको? रिस्पॉन्स टू मी बच्चे क्लियर है तो बताओ। क्लियर सर। तमन्ना कबीर ये सर क्लियर है बच्चे। ये फ्लिप फ्लॉप का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चारों केस के ऊपर ही सारा फ्लिप फ्लॉप डिस्कशन हो जाने हैं, उसके बाद मेरे को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब देख लो चारों केस सबको क्लियर है। व्हेन s इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू 0 दैट इज योर नो चेंज स्टेट। s इज इक्वल टू 1 r इज इक्वल टू 0 सेट स्टेट। s इज इक्वल टू 1 r इक्वल टू 1 रीसेट स्टेट। s इज इक्वल टू 1 r इक्वल टू 1 इट शुड बी नोन एज योर इनवैलिड स्टेट और प्रोहिबिटेड स्टेट। क्लियर है सबको? चलो आगे चलते हैं फिर। सो इस कंडीशन को हम ना s इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 1 कंडीशन को रेस कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, रेस कंडीशन मीन्स व्हेन एनी इनपुट ऑफ द गेट इज नाउ इनपुट जो हमारी आउटपुट आ रही है वो इनवैलिड स्टेट आ रही है, इस कंडीशन को हम रेस कंडीशन भी बोलते हैं। आपको ध्यान में रखना ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं आपको। सिमिलरली जैसे ये एंड ऑपरेशन नैंड ऑपरेशन से कर रहे हैं, हमारे सभी लैच और फ्लिप फ्लॉप नॉर गेट से भी बनते हैं। क्लियर एवरीवन? तो बेसिकली एस then the condition s is equal to r is equal to 1 this is also known as a race condition। chalo ke baad ab hum karte hain next flip flop। now नेक्स्ट बताऊं आपको। अब यहां तक जो हमने डिस्कशन की है दैट इज योर लैच। ये हमने डिस्कशन किया है लैच। अगर आई हैव टू अप्लाई देयर एंड इनेबल सिग्नल, this is your s, this is your r input, this is your r dash, this is your s dash, okay, this is your enable with apply your clock signal। यहां पे हम clock signal apply कर देते हैं। तो इसके अगेंस्ट मैं एक truth table बनाता हूं। truth table is now इनेबल ई एस आर क्यू एन प्लस वन बार एंड कमेंट। इन दैट
enable is now 0 with 4 1 s is now cross 0 0 0 1 bache board visible hai sabko niche se visible hai na bache hello yes sir visible when qn bar qn bar qn bar 01 that is now 0110 that is here 0. This is known nc reset and set set to reset over. Now that is your truth table of your SR flip flop. अगर मैं किसी gated latch को ये ध्यान से बच्चे सुन लो एक बार किसी भी latch को अगर मैं कोई clock signal enable signal apply कर देता हूँ that case वो latch जो flip flop की तरह behave करना शुरू कर देता है means you have to apply the clock signal to the particular latch signal. Okay? तो उस क्लॉक सिग्नल के ऊपर हमारा सर्किट काम करना शुरू कर देता है. सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग अब मैं सारी केस डिस्कस करूंगा और ये वही ट्रुथ टेबल है जो मैंने पहले चार केस डिस्कस किए थे आपसे. मींस अगर मेरी इनेबल की वैल्यू जीरो होती है मींस जब मेरी लोअर पल्स जाएगी तो उस केस में मेरा फ्लिप फ्लॉप कोई वर्क करेगा ही नहीं. मींस जीरो आएगी अगर किसी एंड गेट की वैल्यू मेरी जीरो जीरो है तो आउटपुट क्या जाएगी यहाँ पे वन एंड वन से मैं कोई भी कंडीशन रिज्यूम करता हूं मींस जब मेरी वैल्यू एस डैश और आर डैश की वैल्यू वन होगी मींस व्हेन ई इज इक्वल टू जीरो द आउटपुट ऑफ द नैंड गेट थ्री विल बी फोर्स टू बी वन वैल्यू वन हो जाएगी. व्हेन आर डैश एंड एस डैश इज इक्वल टू वन तब उस केस में क्या होता है बच्चे नो चेक इट और बच्चे अगर ये वैल्यू इनेबल जीरो है मींस पल्स की वैल्यू जब जीरो आ रहेगी दिस इज अ क्लॉक पल्स 1010 जीरो के केस में ये वैल्यू आर डैश और एस डैश की वैल्यू 11 हो जाएगी. बताओ यस और नो. अगर मेरी इनेबल की वैल्यू लो है इन दैट केस you have to find out the value of r dash and s dash is equal to 11 ho jayegi because ek value zero hai to output kya aayegi nand gate pe inverter ki tarah kaam hogi dono ki value 11 hogi. maan lo q ki value yahan pe zero hai zero aur 1 0 1 yahan pe one value chal jayegi 1 and 1 is equal to zero means that condition is same as the previous state means aap same wahi input dekh lo jaise maine pichle mein r aur s ki value maan lo 0 0 ki thi तो मेरी नो चेंज स्टेट आती है. मगर मींस अगर मेरी एनेबल की वैल्यू जीरो रहेगी एस और आर की कोई भी वैल्यू रहे मेरी यहां पे आउटपुट वन आएगी. मैंने एक एग्जांपल ली कि क्यू की वैल्यू जीरो ले ली. फॉर एग्जांपल क्यू जीरो रहा तो ये नैंड गेट पे वैल्यू जीरो आ गई जीरो. हेलो हेलो बच्चे आवाज आ रही है मेरी? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर. हेलो
यस सर आ रही है, ये आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ओके। नाउ q इक्वल टू 0 से मैंने बात की है, अगर q इक्वल टू 0 मैंने अज्यूम किया तो 0 की वैल्यू मेरी यहां पे चलेगी तो मेरी आउटपुट क्या वैल्यू आएगी? 1। मींस कॉम्प्लीमेंट्री 1 आ गया, 1 और 1 कंबाइन करके मेरी आउटपुट आ जाएगी 0। मींस मेरी आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अगर इनेबल की वैल्यू 0 पड़ी है। qn प्लस मीन नेक्स्ट स्टेज की वैल्यू भी वही रही जो प्रीवियस स्टेज की मेरी वैल्यू थी। ये देखो ध्यान से इसको एक बार, नेक्स्ट स्टेज पे भी वही वैल्यू रही जो मेरी प्रीवियस स्टेज की वैल्यू थी। अगर अब मैं इनेबल की वैल्यू 1 करता हूं, इनेबल की वैल्यू 1, एस और आर की 0 हो गई, तब भी मेरी कंडीशन वही रही कि मींस इनेबल तो 1 हो गया, एक आउटपुट की 0 की वजह से आउटपुट मेरी वैल्यू फिर 1 आ गई, तो कंडीशन फिर पहले वाली ही होगी कि आउटपुट 0 आएगी और यहां पे आउटपुट 1 आएगी। सेम कंडीशन जो हमने चारों केस पहले डिस्कस किए हैं, फिर इनेबल हाई किया, आउटपुट ली, इनपुट ली 0 और 1, एस की और आर की वैल्यू 0 और 1 ली, 0 और 1 ली तो मेरी आउटपुट आएगी 0 और 1, दैट शुड बी नोन एज योर रीसेट स्टेट। अगर मैं वैल्यू उसकी पहले इनेबल की 1 और एस और आर की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो दैट इज द केस शुड बी नोन एज योर इंटरमीडिएट स्टेट, लास्ट वाली जो स्टेट आएगी दैट इज द इनवैलिड स्टेट, that is a finalized truth table of the SR flip flop. similarly we have to write in your PPT also, PPT pe check karo bache, agar 0 0 aayega ye SR flip flop ki value hai, value hold rahegi, 0 1 pe meri value reset ho jayegi, 1 0 pe q ki value 1 rahegi, 1 1 pe disallow, because that is not a disallowing, that is an invalid state at the user end. ये वही SR flip flop की डायग्राम है, ये JK बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यहां तक हमने SR के लिए फ्लिप फ्लॉप ही किया है। इसके दौरान मैं आपको एक दो पोल दे रहा हूं, वो सॉल्व करो पहले, ये लो। सर इसका आंसर क्या था? एक मिनट बच्चे बता देता हूँ, सॉल्व करने दो सभी को, भी 30-35 पेंडिंग है अभी। बच्चे 15-20 स्टूडेंट्स आर पेंडिंग, थ्योरी क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कर दो बच्चे, इसका ऑप्शन दो। टेन स्टूडेंट्स आर पेंडिंग, कर दो बच्चे जल्दी सॉल्व। ऑप्शन इज बच्चे ए, 4 इनपुट, लास्ट पोल है बच्चे, लास्ट पोल का आंसर बताओ मेरे को।
Done, sir. Done, sir. तो बच्चे द आंसर इज नाउ रीसेट ओके यस सर बच्चे सर पहले का 4 था ना पहले का 4 था यस देख लो यहां तक बच्चे किसी को डाउट अभी तक हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप के किया है इसकी लास्ट जो बोर्ड पे स्टेज आ रही है दैट इज द 1-1 दैट इज द इन इंटरमीडिएट स्टेट और रेस कंडीशन और इनवैलिड स्टेट प्रोहिबिटेड स्टेट ऑफ द व्हेन s इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 1 देख लो बच्चे यहां तक किसी को डाउट नेक्स्ट वीक को बच्चे आपका फ्राइडे को ही लेक्चर लगेगा क्लियर इसी वीक के था केवल मंडे ओके यस सर नेक्स्ट वीक फ्राइडे को ही लगेगा और अपने नॉर्मल टाइम पे ओके सर यस ठीक है देख लो आज के लेक्चर में हमने डिकोडर से स्टार्ट किया था डिकोडर विद योर 7 सेगमेंट डिस्प्ले नाउ विद योर एनकोडर प्रायोरिटी एनकोडर ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर एंड नाउ दैट स्टार्ट विद द सीक्वेंशियल सर्किट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप ये फ्लिप फ्लॉप बच्चे इतना इंपॉर्टेंट है फ्लिप फ्लॉप से ही हमारा रजिस्टर कनेक्ट है और काउंटर कनेक्ट है ये एसआर फ्लिप फ्लॉप समझना बहुत जरूरी है ये आज की डेट में अब आज सब सब कुछ क्लियर कर लेना नेक्स्ट वीक तक जब मेरा लेक्चर होगा अगर कोई डाउट होगा तो हम वहां पे स्टार्टिंग में ये चीज क्लियर कर लेंगे रिलेटेड टू एसआर फ्लिप फ्लॉप बिकॉज यही फ्लिप फ्लॉप से आगे हमारे सारे काउंटर चल रहे हैं जिसको ये नहीं पता लगेगा वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा किसी को भी डाउट है तो कुछ समझ लो ये पीपीटी जो मैंने अभी बनाई है जो एसआर फ्लिप फ्लॉप चला है गूगल से भी सर्च कर लो सिंपल आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप मिल जाएगा ये पीपीटी भी मैं चाहे आपको पहले ही शेयर कर दूंगा कि एसआर फ्लिप फ्लॉप इसमें पढ़ लो आप देख लो किसी को क्वेश्चन क्यूरी है किसी का पूछ लो बच्चे क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत से केसेस हैं इसमें समय लग गया बच्चे डाउट तो नहीं है किसी को नो सर नो सर
सर सब लीव कर रहे हैं क्या? ओनली 44 रिमेनिंग. बताओ बताओ. चलो ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडे. ओके ये सब फ्लिप फ्लॉप थैंक यू सर कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम हमें किसी को भी प्रॉब्लम आए फ्लिप फ्लॉप में वो हम अंडरस्टैंड कर लें. क्लियर? ओके सर. यस सर. ओके सर. थैंक यू सर. थैंक यू. बाकी सेशनल कैसा हुआ सबका? अच्छा सर, बहुत अच्छा हुआ. गुड सर. गुड. ग्रेट सर. चलो ठीक है सर. लंबा था बट हो गया. सबसे लंबा इसी का ही था सर.